हाथरस के बलरामपुर की दलित बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला लेकर आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन जनपद सिद्धार्थनगर की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं ने सिद्धार्थ तिराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही योगी सरकार से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपियों को सजा की मांग की है और सरकार से पीड़िता की घर वालों के लिए मुआवजा के लिए भी मांग की है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के संरक्षण में जंगल राज चल रहा है। आज इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर भीम आर्मी में के तमाम कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष आर के निगम, महेंद्र बौद्ध, मोहम्मद शफीक, दिलीप कुमार, बिश्रु दत्त, गुंजन भारती, हरिनाथ बौद्ध, प्रवीण गौतम, संतोष इलिया सिद्दीकी, आशीष राजवंशी, आलम नौसाद सिद्दीकी, मोहम्मद आलम आदि लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन और कैंडल मार्च का उद्देश्य क्या है आपका? आज इस प्रदर्शन और कैंडल मार्च का उद्देश्य है जो हाथरस में बहन मनीषा का जो बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, उन दोषियों को फांसी की सजा की मांग करती है भीम आर्मी भारत एकता मिशन सिद्धार्थनगर की तरफ से। हम आग्रह करते हैं सरकार को कि उनको फांसी की सजा दे और हाथरस का भी मामला खत्म नहीं हुआ, मामला ठंडा में हुआ। दो दिन के अंदर ही बलरामपुर में जो यही गैसड़ी में अभी कल बलात्कार हुआ, एक दलित बेटी की हत्या हुई। हम सरकार से कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, ऐसे जुर्म अत्याचारियों को सख्त से सख्त सजा देने का काम करने का काम करें और फांसी देने का काम करें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और उनके घरों में 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करें। सरकार उनके घरों में एक सरकारी नौकरी देने और आवास देने का काम करें। जैसा कि आज अभी तो पता है कि हाथरस और बलरामपुर जैसे जिन्होंने अपराध हुआ यहाँ पर, इस विषय में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला बहन मनीषा और वंदना के निधन पर, और ये शोक जताने के लिए हम लोग हाँ उनके अगुवाई में हम लोगों ने निकाला। जो भी अपराधी हैं उनको सख्त सजा दी जाए